गाइज आप एयरटेल पेमेंट बैंक में फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस नहीं सेंड होगा, आप बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको एग्जांपल के थ्रू मैं एक ऑन रुपीज़ मेरे एक दूसरा फ़ोन पे है उसमें ट्रांसफ़र करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा UPI पिन में डाल रहा हूँ, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे को दिखाएगा क्या दिखाएगा, इनएक्टिव। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट इनएक्टिव। तो गाइस इसको एक्टिव कैसे करेंगे, इसको एक्टिव मैं घर बैठे ही कर लूँगा, कोई दुकान पे, कोई एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफिस पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं बैलेंस चेक करके भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 रुपीज़, ठीक है गाइज, यहाँ पे 0 रुपीज़ है। तो गाइज यहाँ पे आपको सिंपली करना पड़ेगा क्या, अपना ईमेल को ओपन कीजिए, उसके बाद करना पड़ेगा आपको कॉम्पोज पे क्लिक। कॉम्पोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भाई आपको 2 पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे wecare@airtelbank.com लिखना पड़ेगा, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल सेंड करना पड़ेगा। मेल सेंड करने के बाद आपको 2 से 3 वर्किंग डे के अंदर ही आपका एयरटेल पेमेंट बैंक एक्टिव हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा है, ठीक है। तो आप अटैच पे जाइए, अटैच पे जाने के बाद भाई यहाँ पे आपको क्या क्या जरूरत है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का बोथ साइड लगेगा, ठीक है, और पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, और आपको लगेगा एक लेटर, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक में लगते हैं, दूसरा कोई बैंक में लगते हैं, यहाँ पे आप घर बैठे ही कर सकते हैं। ईमेल कर दीजिए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़ है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट पर आपका फ़ोन नंबर दीजिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक में दे रखा है, ठीक है। तो मैं सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद यहाँ पे सेंड पे जाएंगे और इस पर चेक करके दिख लेंगे। तो गाइस चला गया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर